Now we are discussing self esteem and social emotional competence of our children. The wellness model recognizes a close relationship between children's emotional and physical well being. This association is receiving increased attention as the incidence of behavior problems, school dropout rates, substance abuse, violence, gang membership, depression, and child suicide continues to escalate. माशरे के अंदर बच्चों के मसाइल बेशुमार बढ़ गए हैं देखिए वो पहले से ज़्यादा डिप्रेस हैं जब एडोलेसेंस आती है तो काफ़ी ज़्यादा सुइसाइड की भी कोशिशें होती हैं और कई जो है वो कामयाब भी हो जाती हैं और इमोशनली उनको काफ़ी सेटबैक्स जो हैं वो मिलते हैं वजह इसकी वही है जैसे हम कह रहे हैं कि आजकल के तेज़ रफ्तार माशरे में वालदान के पास बच्चों के लिए वक्त कम है तो बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारी कि हम उनकी सेल्फ़ इस्टीम और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर भी तोज्जो दें सेल्फ़ इस्टीम का मतलब यह है कि बच्चे अपने आप को एक मुफीद अच्छा और अहम इंसान समझें एक अच्छा बीइंग समझें मैं कौन हूँ मैं क्या हूँ मेरी हैसियत क्या है मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए वालदेन के लिए इस के लिए और अपने केयर गिवर्स के लिए अहम हूँ ठीक है हम बार बार जब जज्बाती झचके देते हैं बच्चों को आपने ये ठीक नहीं किया आप ऐसे हैं आप ख़राब हैं आप बदतमीज़ हैं तो इस तरह की बातें जो हैं वो उनकी सेल्फ़ इस्टीम को नुकसान पहुँचाती हैं अब देखिए जब हम बात कर रहे थे सेहत की और हेल्थ की तो जहन में रखिए कि अच्छी हेल्थ उन्हीं बच्चों की होती है जो जज्बाती तौर पर मज़बूत होते हैं और जो जज्बाती तौर पर मजबूत होते हैं उनकी हेल्थ भी अच्छी होती है दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं तो ये एसोसिएशन जो जो लेटेस्ट रिसर्च हमें बताती है कि अगर आप बच्चे को जज्बाती तौर पर सेहतमंद रखेंगे तो उसकी बाकी हैबिट्स भी सेहतमंद ही जनरेट करेंगी तो इसके लिए करना क्या है हमने कि हम ये देख रहे हैं कि जितने मसाइल आजकल समझ में आ रहे हैं कि जी ड्रॉप आउट रेट बड़ा बढ़ गया है और बच्चों के अंदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बढ़ गया है या वो सुइसाइड की तरफ आ रहे हैं या वो इग्नोर्ड हैं या किसी एक जगह चुप करके बैठ गए हैं या एग्रेसिव हो रहे हैं दूसरों की पिटाई कर रहे हैं चीज़ें उठा उठा के मार रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है तो इसको दूर करने के लिए क्या करें फैमिलीज एंड टीचर्स प्ले मेजर रोल इन शेपिंग चिल्ड्रन सेल्फ अगर तो ये सिर्फ इस वाले ही कर सकते हैं कि उनकी इन जज्बाती जो इस वक्त बेकायदगियां चल रही हैं इनरेगुलरिटीज उनको पहले तो ऑब्जर्व किया जाए उनको समझा जाए और फिर उसके मुताबिक कोशिश की जाए सो वेन सेट रियलिस्टिक गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन फॉर चिल्ड्रन दे आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस सक्सेस देखिए ये बड़े काम की बात है छोटी सी बात नहीं है अगर वाल और टीचर्स बच्चों से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें उनकी डेवलपमेंट के मुताबिक कि देखें दो साल का बच्चा है तो हमारी एक, उसकी एक्सपेक्टेशन जो हैं वो उसी के ग्रोथ पैटर्न के मुताबिक होने चाहिए हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि बच्चा अभी तीन साल का है और हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पेंसिल सही से पकड़ेगा भी ड्रॉ भी करेगा ए बी सी भी सारी लिख डालेगा कोई और जबान बे भी लिख डालेगा और ये कि उसको बड़ा अच्छा सा ड्राॅइंग करना चाहिए और उसकी लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए उसको लिखते हुए भाई अभी तो उसकी मसल ब्रेन कोआर्डीनेशन ही नहीं हुई आप कैसे उसको इतने बड़े बड़े टारगेट दे रहे हैं और होगा क्या जब वो टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा तो खुद भी मायूस होगा और वालदेन तो फिर होंगे ही तो बहुत बेहतर बात यह है कि हमें यह पता हो कि किस उम्र में बच्चा क्या कर सकता है फिर उसी के मुताबिक उसको छोटे छोटे टारगेट्स दिए जाए जब वो उनको अचीव कर पाएगा तो फिर वो खुद भी खुश होगा उसको भी लगेगा मैं सक्सेसफुल हूँ और ज़ाहिर है पेरेंट्स भी फिर खुश होंगे सो टीचर्स कैन फॉस्टर चिल्ड्रन सोशल इमोशनल कॉम्पिटेंस बाय क्रिएटिंग रेस्पेक्टफुल क्लासरूम्स दैट कन्वे पॉजिटिव एटीट्यूड्स सबसे पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट जो है बच्चा जो है उसको बच्चा असूली तौर पर समझना नहीं चाहिए वो एक पूरा बीइंग है वो एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी ना सोच है ना समझ है बल्कि वो आपसे कहीं ज़्यादा ऑब्जर्व करता है आपसे कहीं ज़्यादा बातों को समझता है आपकी आँखों के इशारों तक को वो समझता है आपके एक्सप्रेशन को समझता है आप क्या कर रहे हैं सो so, आपको उनको एक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर देना है जस्ट लाइक एडल्ट आप क्या कर रहे हैं आपको क्या पसंद है आप क्या खेलना चाहेंगे जितनी ज़्यादा आप उनको रिस्पेक्ट देंगे वो बच्चे उतना अपने आप को अहम समझेंगे और फिर उसके मुताबिक वो भी आपको इज्जत देंगे देखिए जिस बर्तन में हम जो डालते हैं हमें उसी की तो रखनी चाहिए तो ये भी ऐसा ही सिलसिला है कि अगर हम अपने बच्चों को रिस्पेक्ट देंगे बहुत छोटी उम्र में भी तो वो भी हमें रिस्पेक्ट देंगे और फिर हमें क्या करना है प्रैक्टिसिंग साउंड मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल्स हमें इन चीज़ का ख्याल रखना है कि बच्चों की सही जहनी जो न, आ, सेहत है उसके लिए क्या सबसे पहले तो ये कि उनको कोई जज्बाती या माशरती धचका नहीं दिया जाएगा यानी कोई सेट बैक उसको ऐसा नहीं देना चाहिए कि और वो कब आता है जब आपके इर्द गिर्द के केयरगिवर्स आपसे अचानक दूर हो जाते हैं या वो अचानक आपको डिग्रेड करते हैं आपकी बेइज्जती करते हैं या आपका जो सोशल सर्कल है जो आपके दोस्त या पियर्स हैं वो आपकी बेइज्जती करते हैं या आपको इग्नोर करते हैं नेगलेक्ट करते हैं तो इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए बच्चे की जो जहनी आ, हालत है उसको हमेशा कंसीडर करना चाहिए फिर हम कहते हैं कि प्रिवेंटिंग इमोशनल प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइंग एंड रेफरिंग चिल्ड्रन हु मे एग्जिबिट साइंस ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम्स अब जो बच्चे ऐसे हैं जो इमोशनल प्रॉब्लम्स ऑलरेडी डिस्पोज कर रहे हैं ऑलरेडी दिखा रहे हैं उनकी भी तो हमें ख्याल रखना है ना उनकी भी सेहत का ख्याल रखना है तो ऐसी सूरत में पता किया जाना चाहिए कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ है कौन सी चीज़ उसको नापसंद है कौन सी पसंद है और फिर क्यों उसकी क्या वजह है वो कहाँ इग्नोर हुआ है किसने उसको लेट डाउन किया है तो ये बच्चे से जब आप बार बार बात करेंगे हम क्या कर रहे थे आपकी माँ कैसे करती हैं बाप कैसे करते हैं आपकी फ़लाँ टीचर ने आपसे क्या कहा था आपके साथी आपसे बात क्या कर रहे थे आपने सारे दिन में क्या किया तो जब वो अपनी सारी कहानी सुना रहा होगा तो कहीं ना कहीं वो ज़रूर उस सेटबैक का भी जिक्र करेगा मुझे फ़लाम असला पेश आया था और ये मेरे साथ हुआ था देन वर्किंग कलेबोरेटिवली विथ फैमिलीज़ टू फाइंड अ प्रॉपरीट कम्यूनिटी रिसोर्स अब देखिए एक तो हमें जब फैमिली से हम उनके वालदे से बासीयत उस्ताद रबता रखते हैं तो एक तो हमें ये पता चल जाता है कि असल में उनके वालदान कौन हैं उनके पेशे वग़ैरह क्या हैं, वो कितना वक्त दे पाते हैं बच्चों को किस तरह वो किस तरह की तरबियत कर रहे हैं और मसाइल कहाँ हैं ठीक है वह मसाइल को आइडेंटिफाई करना आसान है फिर उसके सॉल्यूशन में भी हम उनको शामिल कर सकते हैं कि देखिए जी ये बच्चा आपका भी है हमारा भी है हम समझ रहे हैं कि आपको इसको फ़लां वक्त में तवज्जो देनी चाहिए या फ़लां वक्त में आपको इसको इंक्रेज करना चाहिए या री करना चाहिए तो फिर मिल के एक हमत अमली जो है वो आप तय करें कोई अच्छा सा डिसीशन लें और उस डिसीशन के बेसिस पे आप उनको उस बच्चे का जो है वो इलाज की तरफ जाएं